हम लोग मांग रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरा वार्डगंज में जो खुलेआम हो रहा है, पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। फोन पे फोन हो रहा कोई नहीं, रात 12-1 बजे कोई मतलब कुछ नहीं। थाने में पैसा चले जा रहा, प्रमोटर पैसा दे रहा है, कहा बस पब्लिक सो रहा नहीं सो रहा सारा इनकम सब पुलिस पैसा ढाल दे रहा है। प्रमोटर लोग पुलिस लोग कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना आज इसका जान गया, कल दूसरा का जान जाएगा, तीसरा का जान जाएगा। कैसा पुलिस लोग को एक्शन नहीं ले रहा। बनाया उसको अरेस्ट करो बस, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम प्रमोटर का? प्रमोटर तो बहुत है, किसका नाम बताया जाए, बहुत है यारों का प्रमोटर, सब तो प्रमोटर है। हर गली कुत्ता प्रमोटर बन के बैठा है। यहाँ एक नहीं, एक एक बिल्डिंग में 10-10 प्रमोटर है। और इस वक्त एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है कोलकाता के वाटगंज इलाके से, जहां पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 5वें तल्ले से एक लोहे का रॉड गिर जाने से 18 साल के लड़के की मौत हो गई है। ये घटना वाटगंज थाना के अंतर्गत 37/5/HKB तीर्थ सरणी का है, जहाँ पे शाम करीब 7 बजे ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 5वें तल्ले से एक लोहे का रॉड अचानक से नीचे गिरा और वो रॉड सीधे एक लड़के जिसका नाम अरमान बताया जा रहा है उसके सिर पे जा गिरा और घटना स्थल पर ही रॉड उसके सर में जा घुसा। तुरंत ही उसे CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से वाटगंज पाथर गली के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन के काम के कारण हो रहा है और यहाँ पे रात के अंधेरे में निर्माण का काम हो रहा था और इसमें यहाँ के काउंसिलर और पुलिस प्रशासन सबकी मिली भगत है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्डगंज थाना के अंतर्गत 37/5H/21 और यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले शाम को 7 बजे के करीब एक ऐसा घटना हुआ जिसे कहने में हमें भी बहुत बुरा लग रहा। बहुत ही एक ऐसा घटना पेश आया यहाँ पर, ये देख रहे हैं इस बिल्डिंग का 5th फ्लोर में बताया जाता है कि कुछ तामीराती काम हो रहा था, बिल्डिंग का काम चल रहा था और इस बिल्डिंग के और बिल्डिंग से एक रड गिरता है और नीचे से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आ रहे थे, जिसमें एक रड एक लड़का का सर पर जा गिरा और यहाँ के लोगों का कहना है कि मौका वारदात पर ही उसका मौत हो गया। और ये वो जगह जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह को पानी से धो दिया गया है, ये वो जगह है जी। और ब्लड बहुत था, खून इतना ज्यादा था कि हम लोग पानी मार दे, घबराहट हम लोग को होने लगा देख करके, समझे, इसलिए हम लोग पानी मार के भसा दिया ताकि हम लोग का भी थोड़ा सा सुकून हो दिल में। उसको देख करके पांव हाथ हम लोग कांपने लगा कि कैसे उठाएंगे बच्चा को जी। बोलिए। हम लोग वही देख करके हम लोग समझे कि घबरा गए, फिर आदमी निकला उस बाद में लेकर कर फिर जा करके दौड़ करके लेकर के गया सब। हाँ, खून एकदम फुहारा का चले जा रहा था लड़का का खून। यहाँ का काउंसलर नहीं आया? नहीं, अभी नहीं 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 आया है, पर्सनल नहीं आया है। बजे हुआ 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे। हाँ हाँ, देखा कि वो लड़का आ रहा था ऊपर से रॉड चढ़ा रहा था, गिरा छाट इधर पर गिरा, यहाँ पर लड़का गिर गया, उसका ऊपर बैग गिर गया, फिर से हाँ ढूक गया लड़का। दो बैग, दो लड़का था उसने, एक लड़का चला रहा है, हाँ बैग से जा रहा था, रड से ऊपर से गिरा, यहाँ पर गता गत के दम घुस गया। जो सब थाना थाना किसी को थाना 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 कहने को देखिए ये पर गिर के छटपटाने लगा लड़का, फिर बैग गिर गया उसका ऊपर, लड़का उठाया ये पर समझ गया क्या कि तो कुछ नहीं, छोड़ो थोड़ा सा चोट लगा है, ये बात है, लड़का स्पॉट डेड हो गया लड़का, एकदम ये पर ही खत्म हो गया लड़का। और जो जो पुलिस कमिश्नर लोग क्या करता, घुसखोर लोग होता तो घुस खा के 4 तल्ला 5 तल्ला ढलाई दे देता। आज उसका बच्चा गया, कल दूसरा का बच्चा जाएगा, तीसरा का बच्चा जाएगा, मगर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अन्याय ले
ही था ना कि यहाँ आदमी काम करेगा तो दो आदमी गार्ड रखे, कोई गार्ड नहीं, आप लोग रथ चढ़ा रहा है, आदमी को चोट नहीं दिखेगा नहीं, लोग कैसा काम करा रहे लोग बच्चा जो है लत पर यहीं पास हो गया, रट जैसी गिरा झर से आवाज आया तो हम लोग सब निकला, देखा यहाँ पास बाइक आकर के रुक गया और रुकने के बाद में उसका बारह बाल तो ऐसे जैसे किया ना पूरा हाथ में ब्लड दे के बेहोश हो गया, पूरा आंख का गोटा निकल गया उसका अंदर से दम बाहर दम यहीं पास आएंगे, पूरा मतलब बॉडी का पूरा मतलब यहीं पास हाँ बाइक से जा रहा था तो वहाँ पर जैसे रड उठाया ना पुलिस खड़ा हो गया, रड उठाने के बाद पुलिस की अब आप लोग जाओ, जैसे जाने लगा वैसी रड फिर तुरंत गिर करके और पूरा यहाँ पास लग गया, पूरा ऊपर से गिर करके फिर आ गया, फिर यहाँ पास बाइक रुक गया, एक तो उछल गया तुरंत और एक तो यहाँ पास रह गया, उनके सर पे हेलमेट था लगा नहीं कोई नहीं, जिम से आ रहा था, जिम से आ रहा था, हेलमेट जैसा कुछ नहीं था, जिम से आया हाथ में दही लेके लेके जिम से आया था वो लड़का, कौन से बिल्डिंग से गिरा ये बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग से, इसी बिल्डिंग से, हाँ हाँ ये बिल्डिंग अच्छा से गिरा, ये बिल्डिंग अच्छा से, हाँ बिल्डिंग पांच तल्ला ढलाई हो रहा है, चार तल्ला बना हुआ था, पांच तल्ला ढलाई बना ढलाई हो रहा था, हम लोग सामने खत्म हो गया लड़का, हम लोग ऐसे ही समाज को उठा रहे हैं, उठेगा आदमी ठीक है फिर अब बोलेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन होएगा तो क्या होगा, अच्छा। इलीगल का तो कोई मतलब सेफ्टी का तो कोई काम ही नहीं हो रहा, जहाँ पा रहा वहाँ इलीगल काम चालू है, आम पब्लिक कहाँ जाएगा, सबको बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पे, सारा का सारा काम तो इलीगल किए जा रहे हैं यहाँ पे, पुलिस थाना प्रशासन सब सोया हुआ है, पर एक यंग लड़का का जान चले गया, क्या नाम था बच्चा, अमन, इनका भतीजा है, खुद भतीजा है जी, तो क्या करता था अमन, तो कॉलेज है बीकॉम कॉमर्स कर रहा था, और कहाँ से आ रहा था, मन जिम करके आ रहा था, जिम करके घर का सामान लेके आया बेचारा अपना रूम में जाने के लिए, तो ये हादसा हुआ, तो अमन के साथ क्या होगा, इसका क्या एक्शन दिया जाएगा, प्रशासन क्या एक्शन लेगा, क्या आप लोग मांग करते हो, हम लोग मांग रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरा वार्डगंज में जो खुलेआम हो रहा है, पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, फोन पे फोन हो रहा कोई नहीं, रात 12 एक बजे कोई मतलब कुछ नहीं, थाने में पैसा चले जा रहा, प्रमोटर पैसा दे रहा है, का बस पब्लिक सो रहा नहीं सो रहा, सारा इनकम पुलिस पैसा ढाल दे रहा, प्रमोटर लोग पुलिस लोग कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इतना आज इसका जान गया कल दूसरा का जान जाएगा तीसरा का जान जाएगा, कैसा पुलिस लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा, हम लोग का न्याय चाहिए, अरेस्ट चाहिए, जिसका जिसका औलाद जो तो औलाद दे सकता है, जो बनाया है उसको अरेस्ट करो बस, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, क्या नाम प्रमोटर, प्रमोटर तो बहुत है, किसका नाम बताया जाए, बहुत है यार प्रमोटर, सब तो प्रमोटर है, हर गली कुत्ते प्रमोटर बन के बैठा है, यहाँ एक ना एक एक बिल्डिंग में 10-10 तो प्रमोटर है, हर गली यहाँ तीन तल्ला चार तल्ला से पांच तल्ला पांच तल्ला से छह तल्ला ढाला, सबसे बड़ा तो कमजोरी है पुलिस का, पुलिस लोग कुछ नहीं कर सक रहे, OCDC कोई कर्म का नहीं है, पोर्ट DC कोई मतलब कुछ नहीं, सिर्फ पैसा चल रहा है बस, चले जा रहा बस, यहाँ का लोकल कंसलर है चुतिया कंसलर, यहाँ का जो कंसलर सोशी दास हम बोल रहे नाम उसका, सबसे बड़ा सलाह खाली आएगा झांकने नहीं आएगा, गली में क्या हो रहा है कुछ नहीं देखेगा साला, इतना कमीना है साला, वो पार्किंग हो गया वार्डगंज में है, जहाँ मर्जी वहाँ दुकान खुल रहा, आदमी का रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है, हर जगह इलीगल काम हो रहा है वार्डगंज में, गुंडागर्दी खुलेआम है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो 100 लड़का लेकर चले आ रहा है, गुंडागर्दी दिखा रहा है, पब्लिक क्या बोलेगा, काम काज करेगा ना गुंडागर्दी करने क्या करोगे सर, जिम से आके अपना हाथ में दही लेके बेचारा आया, उसको गिरा तो संग समझे छटपटा के खत्म, फोटो उसका, उसका फोटो मेरे पास नहीं है, घर पे होगा उसका, किसी मेरे पास नहीं है उसका फोटो, इसका पास है, इसका पास है। वहीं वाटगंज थाने की पुलिस ने हालाते बंगाल और न्यूज टैग इंडिया को बताया है कि कसूरवार लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, देखना यह है कि वाटगंज थाना या पोर्ट पुलिस डिवीजन इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है।